बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है रजनीकांत स्टारर फिल्म काला। जानिए क्या है फिल्म की 7th डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल PMS मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। ऐसी ताजी तरीन खबरें एक अलग ही अंदाज में अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए हमारे चैनल PMS मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। बॉलीवुड खबरों में आज हम बात कर रहे हैं रजनीकांत सुपरस्टार स्टारर फिल्म काला के बारे में। लोगों में इस फिल्म को लेकर इतना क्रेज है कि इसके रिलीज से पहले ही रजनीकांत के फैंस ने इस फिल्म के पोस्टर को दूर से नहलाया था। अब यदि इस फिल्म की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो ये मुंबई के धारावी इलाके पर बेस्ड है, जहां के लोग रजनीकांत को अपना नेता मानते हैं। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब नाना पाटेकर की एंट्री हो जाती है, जो कि खुद मुंबई के धारावी इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं और उन्होंने अपने किरदार के साथ जस्टिस किया है। अब यदि इस फिल्म की 7th डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने रिलीज के 7 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए बॉलीवुड खबरों से इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।